वेलकम टू शिल्पीज किचन। आपका शिल्पी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। शिल्पीज किचन को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रबड़ी गुलाब जामुन, जो काफी स्वादिष्ट है। ये मैंने ब्रेड से बनाया है, जो काफी इजी और सिंपल है। ब्रेड गुलाब जामुन के अंदर मैंने रबड़ी स्टफ किया है। चलिए इसे अब हम बनाना शुरू करते हैं। देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। आपने ब्रेड गुलाब जामुन तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं रबड़ी स्टफ ब्रेड गुलाब जामुन स्पेशल बना रही हूँ, जो काफ़ी स्वादिष्ट और सिंपल है। ये देखिए मेरे पास रबड़ी है, इसे मैंने गाढ़ा कर लिया है, इस तरह से थिक कर लें। साथ में कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लूँगी, चीनी लूँगी चाशनी के लिए और इलायची, और साथ में दूध। पहले हम इस ब्रेड को मिक्सर ग्राइंडर में तोड़ के डाल लेंगे। इसके किनारों को हमें नहीं काटना है, इससे साथ में मिक्स करना है। सारे ब्रेड स्लाइसेस को इस तरह से तोड़ के डाल लें, लेकिन ये एक साथ नहीं पीसेगा, आप थोड़ा थोड़ा करके पीसें। ये अच्छी तरह से पिसा जाएगा मिक्सर में। ये देखिए मैंने ब्रेड सारे ब्रेड को इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, और ये मेरे पास दूध है। हमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे एक डो जैसा गूंद लेना है, आटे जैसा गूंद लेना है। एक साथ हम सारा दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। इसमें हमें लगभग एक कटोरी दूध लग जाएगा। इसे हमें ज़्यादा नहीं गीला करना है। इसे जैसे जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं, उसी तरह से इसका हम भी डो तैयार कर लेंगे। और एक बात और, मैं जो रबड़ी इसमें स्टफ करूंगी वो गीला नहीं होना चाहिए, वो सुखा लें अच्छी तरह से। इस तरह से आप अच्छे से ब्रेड के आटे गूंद लें सॉफ्ट। अगर रबड़ी गीला होगा तो इसके अंदर स्टफ नहीं होगा, इसलिए आप उसे और थिक कर लें और फ्रिज में रख दें, तो और अच्छे से वो गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए हमारा आटा गूंद कर तैयार है। हमारा आटा सेट कर तैयार हो गया है। चलिए अब इसके हम गुलाब जामुन बना लेते हैं। ये देखिए मेरे पास हाथ में घी है, दोनों हाथ में लगा लेंगे अच्छे से। इसके पेड़े बना लें अच्छे से। अब इस तरह से हम गोल कर लेंगे। गोल करने के बाद देखिए थोड़ा सा हम रबड़ी उठाएंगे, देखिए कितना गाढ़ा और थिक है। इस तरह से गोल बना के आप नारियल के बुरादे में लपेट लें और डाल दें। मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ कि ये अच्छे से इसमें सेट हो जाए और स्वादिष्ट लगे। इस तरह से आप बंद कर लें और अच्छे से इसे गोल का आकार दे दें। मैं एक और करके दिखाती हूँ आपको। हाथ में घी लगा लें अच्छे से, इस तरह से गोल कर लें, जैसे आप आलू का पराठा बनाती हैं उसी तरह। इस तरह से गोल कर लें रबड़ी को, गोल करके फिर नारियल के बुरादे में लपेट के इसे अच्छे से बंद कर लें। ध्यान रखना चाहिए कि निकले ना रबड़ी हमारा, अच्छे से आकार दे दें गोल का। बाकी का भी आप इसी तरह से बना लें। अब इसे हम फ्राई करें। हमारा ऑयल गरम हो चुका है, इसमें हम सारे ब्रेड के गुलाब जामुन डाल देंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राई कर लेंगे। अभी हमें इसे हिलाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा तेल इसके ऊपर भी डाल देंगे। इस तरह से पैन को हिलाएंगे, ये थोड़ा सा कुक हो जाने दें, उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। हमारा गुलाब जामुन तैयार है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इसे हम निकाल लेंगे
और चाशनी में डिप करेंगे। मैंने पहले से ही चाशनी तैयार करके रखी हुई है। मैंने 2 कटोरी चीनी में 1 कटोरी पानी डाल के इसका चाशनी तैयार कर लिया है। आप भी तैयार कर लें और इसमें डिप कर दें। अब इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये देखिए मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। 3 से 4 मिनट तक हम कुक करेंगे, सॉफ्ट होने तक। इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट तक कुक कर लें और इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि ये स्पॉन्जी हो जाए और फूल जाए अच्छे से। मैंने इसे ढककर 5 मिनट के लिए रख दिया था। देखिए ब्रेड के गुलाब जामुन ये काफ़ी फूल के बड़े साइज में हो गए हैं और ये काफ़ी स्पंजी भी हो गए हैं। अब इसे हम चाशनी से सारा निकाल लेंगे। सारा चाशनी में से निकाल लें इसे हम। अब ये हमारे पास नारियल का बुरादा है। एक एक गुलाब जामुन को हम इसमें इस तरह से लपेट देंगे नारियल के बुरादे में और इस तरह से रखते जाएंगे। ये देखिए जब आप इसे खाएंगे तो इसके अंदर जो रबड़ी होगी वो और स्वादिष्ट लगेगी इसके साथ। ये स्पेशल डिश आप अपने घर में बनाएं, ये काफी पसंद आएंगे सभी को। आप इस तरह से चाशनी में भी खा सकते हैं डुबो के, या इस तरह से आप इसे रबड़ी ब्रेड गुलाब जामुन घर में बनाएं। और अपने कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।